माननीय आपने जो प्रश्न पूछा है आज के संदर्भ में, जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है, इसके लिए ज़रूरी है कि हमें ज़मीन पर काम करने की ज़रूरत है। जिन लोगों को हम ये दीक्षा देते हैं, बौद्ध धर्म की दीक्षा देते हैं, और दीक्षा देने के बाद में उनको फार्म भरवा करके छोड़ दिया जाता है, जबकि ज़मीनी काम करने का मूल काम करने का मतलब ये है कि उनका सर्टिफिकेट बनाया जाए और दीक्षा दी जाए और उनको जो है गजट में नोटिफिकेशन कराया जाए। जी हाँ। बुद्धिस्ट संगोष्ठी चल रही है दिल्ली के अंदर, विषय रखा गया है इंट्रैक्शन और इनिशिएटिव। क्या लगता है कि ये दोनों शब्द अपने आप में बहुत बड़े हैं, लेकिन जब इन दोनों को मिलाकर आपस में बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव किया जाता है तो किस तरह का संदेश हम अपने बुद्धिस्ट कल्चर को या बुद्धिस्ट समाज को दे पा रहे हैं? ये जो कॉन्क्लेव हो रहा है मुख्य रूप से बौद्ध संगठनों का जो सामूहिक उत्सव है और उसके जो इशू हैं, मुद्दे हैं, उनको एकजुट करके ये प्रयास हो रहा है कि आपस में भाईचारा मैत्री को बढ़ावा मिले और उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो और विश्व शांति स्थापित हो। क्या लगता है वर्तमान स्थिति में जिस तरीके से बुद्धिस्टों की जो संख्या है वो नगण्य दिखाई जा रही है, इससे हम लोग आपस में इंट्रैक्शन करके किसी तरह का हम गजट में अपनी संख्या को बढ़ाकर आगे सरकार तक प्रस्तावित कराने में सफल हो पाएंगे? निश्चय हम लोग अगर ये इस सामूहिक संगोष्ठी के माध्यम से अपनी बात सरकार को पहुंचाएंगे और आपसी सहयोग से मिलजुल कर अगर हम इसका प्रयास करेंगे तो निश्चय ही सफल होंगे। धन्यवाद। जिस तरह से पूरे विश्व के अंदर बुद्धिस्ट जो कल्चर है खासकर इंडिया के अंदर वो फल फूल रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि सरकारी गजट में हमारी संख्या आज भी नगण्य है, क्या कहेंगे इस बारे में? मेरा नाम रणजीत सिंह। जो इंट्रैक्शन और इनिशिएटिव जो आज जो विषय रखे गए हैं उसके अंदर अगर हम आपस में बातें करें तो ये एक बड़ा मुद्दा है। जी, मेरा नाम रणजीत सिंह है, मैं भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। माननीय आपने जो प्रश्न पूछा है आज के संदर्भ में, जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है, इसके लिए ज़रूरी है कि हमें ज़मीन पर काम करने की ज़रूरत है। जिन लोगों को हम ये दीक्षा देते हैं, बौद्ध धर्म की दीक्षा देते हैं, और दीक्षा देने के बाद में उनको फार्म भरवा करके छोड़ दिया जाता है, जबकि ज़मीनी काम करने का मूल काम करने का मतलब ये है कि उनका सर्टिफिकेट बनाया जाए और दीक्षा दी जाए और उनको जो है गजट में नोटिफिकेशन कराया जाए। ये काम संस्था का है ना? जी हाँ जी हाँ। तो हम ये काम कर रहे हैं और इसको आगे भी करते रहेंगे, और मेरा सुझाव है कि जो भी संस्थाएं इस तरह का कार्य कर रही हैं उनका मेन मकसद ये होना चाहिए कि जो हम जिनको दीक्षा दे रहे हैं उनके सर्टिफिकेट जहाँ भी जो अपनी संस्थाएँ हैं, जो हमारी भारत सरकार की या प्रदेश सरकार लेवल की, उनमें जा करके उनका नोटिफिकेशन करा करके उनको ये नामित कराएं। धन्यवाद। बुद्धिस्ट संगोष्ठी चल रही है दिल्ली के अंदर, विषय रखा गया है इंट्रैक्शन और इनिशिएटिव। क्या लगता है कि ये दोनों शब्द अपने आप में बहुत बड़े हैं, लेकिन जब इन दोनों को मिलाकर आपस में बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव किया जाता है तो किस तरह का संदेश हम अपने बुद्धिस्ट कल्चर को या बुद्धिस्ट समाज को दे पा रहे हैं? ये जो कॉन्क्लेव हो रहा है मुख्य रूप से बौद्ध संगठनों का जो सामूहिक उत्सव है और उसके जो इशू हैं, मुद्दे हैं, उनको एकजुट करके ये प्रयास हो रहा है कि आपस में भाईचारा मैत्री को बढ़ावा मिले और उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो और विश्व शांति स्थापित हो। क्या लगता है वर्तमान स्थिति में जिस तरीके से बुद्धिस्टों की जो संख्या है वो नगण्य दिखाई जा रही है, इससे हम लोग आपस में इंट्रैक्शन करके किसी तरह का हम गजट में अपनी संख्या को बढ़ाकर आगे सरकार तक प्रस्तावित कराने में सफल हो पाएंगे? निश्चय हम लोग अगर ये इस सामूहिक संगोष्ठी के माध्यम से अपनी बात सरकार को पहुंचाएंगे
और आपसी सहयोग से मिलजुल कर अगर हम इसका प्रयास करेंगे तो निश्चय ही सफल होंगे। धन्यवाद। जिस तरह से पूरे विश्व के अंदर बुद्धिस्ट जो कल्चर है खासकर इंडिया के अंदर वो फल फूल रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि सरकारी गजट में हमारी संख्या आज भी नगण्य है, क्या कहेंगे इस बारे में? मेरा नाम रणजीत सिंह। जो इंट्रैक्शन और इनिशिएटिव जो आज जो विषय रखे गए हैं उसके अंदर अगर हम आपस में बातें करें तो ये एक बड़ा मुद्दा है। जी, मेरा नाम रणजीत सिंह है, मैं भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। माननीय, आपने जो प्रश्न पूछा है आज के संदर्भ में, जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है इसके लिए ज़रूरी है कि हमें ज़मीन पर काम करने की ज़रूरत है। जिन लोगों को हम ये दीक्षा देते हैं, बौद्ध धर्म की दीक्षा देते हैं, और दीक्षा देने के बाद में उनको फार्म भरवा करके छोड़ दिया जाता है, जबकि ज़मीनी काम करने का मूल काम करने का मतलब ये है कि उनका सर्टिफिकेट बनाया जाए और दीक्षा दी जाए और उनको जो है गजट में नोटिफिकेशन करा जाए। ये काम संस्था का है ना? जी हाँ जी हाँ। तो हम ये काम कर रहे हैं और इसको आगे भी करते रहेंगे, और मेरा सुझाव है कि जो भी संस्थाएं इस तरह का कार्य कर रही हैं उनका मेन मकसद ये होना चाहिए कि जो हम जिनको दीक्षा दे रहे हैं उनके सर्टिफिकेट जहाँ भी जो अपनी संस्थाएँ हैं जो हमारी भारत सरकार की या प्रदेश सरकार लेवल की उनमें जा करके उनका नोटिफिकेशन करा करके उनको ये नामित कराएं। धन्यवाद। बुद्धिस्ट संगोष्ठी चल रही है दिल्ली के अंदर और विषय रखा गया है इंट्रैक्शन और इनिशिएटिव, क्या लगता है कि ये दोनों शब्द अपने आप में बहुत बड़े हैं, लेकिन जब इन दोनों को मिलाकर आपस में बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव किया जाता है तो किस तरह का संदेश हम अपने बुद्धिस्ट कल्चर को या बुद्धिस्ट समाज को दे पा रहे हैं? ये जो कॉन्क्लेव हो रहा है मुख्य रूप से बौद्ध संगठनों का जो सामूहिक उत्सव है और उसके जो जो इशू हैं, मुद्दे हैं, उनको एकजुट करके ये प्रयास हो रहा है कि आपस में भाईचारा मैत्री को बढ़ावा मिले और उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो और विश्व शांति स्थापित हो। क्या लगता है वर्तमान स्थिति में जिस तरीके से बुद्धिस्टों की जो संख्या है वो नगण्य दिखाई जा रही है, इससे हम लोग आपस में इंट्रैक्शन करके किसी तरह का हम गजट में अपनी संख्या को बढ़ाकर आगे सरकार तक प्रस्तावित कराने में सफल हो पाएंगे? निश्चय, हम लोग अगर ये इस सामूहिक संगोष्ठी के माध्यम से अपनी बात सरकार को पहुंचाएंगे और आपसी सहयोग से मिलजुल कर अगर हम इसका प्रयास करेंगे तो निश्चय ही सफल होंगे। धन्यवाद। जिस तरह से पूरे विश्व के अंदर बुद्धिस्ट जो कल्चर है खासकर इंडिया के अंदर वो फल फूल रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि सरकारी गजट में हमारी संख्या आज भी नगण्य है, क्या कहेंगे इस बारे में? मेरा नाम रणजीत सिंह। जो इंट्रैक्शन और इनिशिएटिव जो आज जो विषय रखे गए हैं उसके अंदर अगर हम आपस में बातें करें तो ये एक बड़ा मुद्दा है। जी, मेरा नाम रणजीत सिंह है, मैं भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। माननीय, आपने जो प्रश्न पूछा है आज के संदर्भ में, जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है इसके लिए ज़रूरी है कि हमें ज़मीन पर काम करने की ज़रूरत है। जिन लोगों को हम ये दीक्षा देते हैं, बौद्ध धर्म की दीक्षा देते हैं, और दीक्षा देने के बाद में उनको फार्म भरवा करके छोड़ दिया जाता है, जबकि ज़मीनी काम करने का मूल काम करने का मतलब ये है कि उनका सर्टिफिकेट बनाया जाए और दीक्षा दी जाए और उनको जो है गजट में नोटिफिकेशन करा जाए। ये काम संस्था का है ना? जी हाँ जी हाँ। तो हम ये काम कर रहे हैं और इसको आगे भी करते रहेंगे, और मेरा सुझाव है कि जो भी संस्थाएं इस तरह का कार्य कर रही हैं उनका मेन मकसद ये होना चाहिए कि जो हम जिनको दीक्षा दे रहे हैं उनके सर्टिफिकेट जहाँ भी जो अपनी संस्थाएँ हैं जो हमारी भारत सरकार की या प्रदेश सरकार लेवल की उनमें जा करके उनका नोटिफिकेशन करा करके उनको ये नामित कराएं। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के।